दोस्तों, अगर आप Redmi 4A के यूज़र्स हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 4A के अंदर MIUI 11 का अब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं Xiaomi का ऑफिशियल टेबल है MIUI 11 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अक्टूबर में सभी डिवाइस को अपडेट मिल चुके हैं जिसके अंदर नेम दिया है, और नवंबर के अंदर वो भी अपडेट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर Redmi 4A का यहाँ पर मुझे नाम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं Redmi K20 Pro है, एंड आपका Redmi 6 है, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, एंड Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2, Redmi 4। ठीक है, Redmi 4 यहाँ पर 4A का नाम नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं Redmi 4, और Redmi 4 के बाद है MI का Mix 2 एंड MI का Max 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi 4 के बाद Redmi 4A का नाम आना चाहिए था, पर ऐसा दोस्तों नहीं हुआ है। तो यानी कि दोस्तों Redmi 4A के अंदर आप MIUI 11 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रोल आउट टाइम टेबल के यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, जो कि Redmi 4A का अगर नाम होता तो दोस्तों उसको अपडेट मिलता हो, क्योंकि Redmi 5A को मिल चुका है, Redmi 4 को भी मिलने वाला है। तो Redmi 4A को यहाँ पर नेम नहीं है, यानी कि Redmi 4A का यहाँ पर टाइम टेबल के अंदर नाम नहीं है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो अपडेट जैसे मिलना चाहिए, क्योंकि Redmi 4 को अपडेट मिल रहा है तो दोस्तों Redmi 4A को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर रोल आउट टाइम टेबल के जी यहाँ पर जो है नाम इसके अंदर शामिल नहीं है। तो दोस्तों अगर नवंबर का महीना पूरा निकल जाता है तो फिर भी Redmi 4A के अंदर अपडेट नहीं आता है, तो आप दोस्तों समझ जाइए कि Redmi 4A के अंदर कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा MIUI 11 का। क्योंकि दोस्तों अगर इसके अंदर नाम होता तो आपको मिलता, पर इसके अंदर Redmi 4A का यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर नाम है ही नहीं, तो यानी कि नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर दोस्तों और कोई भी न्यूज़ आती है Redmi 4A से रिलेटेड तो मैं आपको तुरंत जो है वीडियो बना दूंगा। अभी हाल फिलहाल तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी रोल आउट टाइम टेबल के अंदर Redmi 4A का नाम नहीं है, तो इसका मतलब MIUI 11 का अपडेट नहीं मिलेगा Redmi 4A को। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।